जनपद की सर्विलांस सेल ने नए साल पर 55 मोबाइल फोन बरामद किया है। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन दाड़ा ने सभी 55 नागरिकों को पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में बुलाकर उनको मोबाइल सुपुर्द किया। वहीं अपना मोबाइल पाकर नागरिकों के चेहरे खिल उठे तथा उन्होंने जनपद पुलिस व सर्विलांस सेल को धन्यवाद दिया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन दाड़ा ने बताया कि नए साल पर एसओजी व सर्विलांस टीम ने 8,55,000 मोबाइल बरामद किया है। उन्होंने बताया कि ये मोबाइल कहीं गिर गया था या गुम हो गए थे, जिसको देखते हुए लोगों ने थानों पर पुलिस को एप्लीकेशन दिया था। उन सभी मोबाइल को बरामद किया गया है तथा मोबाइल मालिकों को उनका मोबाइल लौटाया गया। उन्होंने बताया कि इन सभी मोबाइल को सर्विलांस के जरिए बरामद किया गया तथा इस मोबाइल की घटना में कोई भी व्यक्ति अगर संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, बाहर करवा दो, ठीक है, लिखा है आपका है, नहीं तो मत उठाना। भाई क्या अंकित, एक बार खोल के भी देख ले आप ही कहेंगे तो उधर हो गई ऊपर थी, मैंने खोल के देख लिया। एक जनवरी को कुछ अच्छा हुआ होगा ना, तभी तो आगे सिलसिला बना है आपका। शुक्रिया, 5 को मिला है और देखो कुछ मिलता रहेगा साल भर आपको। नहीं नहीं, वो हमारी कवर तो चेंज कर दिया, पर हमारे कवर इससे नया था, जो पाया होगा वो चेंज किया होगा, पुराना था ना वो अच्छे से किया जब लगाया लेने वाला ये था। जी, ये नए साल पर हमारे जो एसओजी टीम है और सर्विलेंस टीम है, उन्होंने कई मोबाइल बरामद किए हैं। तकरीबन 55 से ज़्यादा मोबाइल हैं जो कि कहीं गिर गए थे या गुम हो गए थे और लोगों ने पुलिस को एप्लीकेशन दिए थे ढूंढने के लिए। बीते साल वो सारे मोबाइल बरामद हुए हैं, पुलिस ने बरामद किए हैं और इनके अनुमानित मूल्य 7.5 लाख रुपये से ज़्यादा है। तो इसी को वापस उनके मालिकों को लौटाया जा रहा है और इसी संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जी, इसमें सारे मोबाइल जो हैं कहीं गुम हो गए थे या गिर गए थे और पुलिस ने इसको सर्विलेंस के जरिए खोजा है और आगे जो इनके मालिक हैं मोबाइल के, उनकी जो तहरीर होगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जहां मोबाइल बरामद हुए हैं वो पुलिस ने बरामद करके इनको लौटाया जा रहा है और इसमें आगे कोई आपराधिक घटना अगर लिप्त पाए गए तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी।